वेलकम टू माय चैनल। हमारी हो रही लद्दाख की ट्रिप स्टार्ट। तो भाई आज हम निकल रहे हैं, ये और के हमारी बाइक रेडी, एक और ब्लॉक रेडी है, अभी दिखाता हूँ। और ये कुछ खा रहे हैं गोलगप्पे, साल इनको गोलगप्पे खाने जाने से पहले वाले पेट्रोल भाई पूरी सुई में पेट्रोल ही नहीं है गाड़ी में, तो टैंकी फुल करवा लेते हैं फिर निकलते हैं। एक बाइक पीछे है, वो भी आ जाएगी, फिर वेट कर लेते हैं उनका भी। भाई टैंकी फुल करवा ले पहले ही, अपने ऐसे टैंकी फुल करके कर रहे हैं। अभी हमने कैन भी नहीं ली है, फिर कैन ले लेंगे रस्ते में, देखते हैं भाई कितने का आता है। ऊपर तक कर दो। अरे गिर जाएगा ज़्यादा भैया, इतना ऊपर भी नहीं गिरेगा। बाय 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 बाय, पूरा साठ करो, बस जी धन्यवाद। चलो भाई मैं ज़्यादा छोड़ने आया था भाई, तो छोड़ दिया इसने। चल भाई तू पहुँच, पहुँचो भाई, ढक्कन नहीं है, ये पानी उतना साथ ले जा रहे, इसमें ढक्कन ही नहीं है, तो पकड़ हाथ में पकड़ लेके जा रहे हैं। चलो बाकी दोस्त हमारे पहुंच गए, आज थोड़े पेट्रोल भरवा रहे हैं वो पश्चिम बिहार में, तो हम वहीं पहुंच रहे हैं। हम भरवा रहे डीसी एलपी सेंटर से पेट्रोल भरवा रहे थे, तो अब चलते हैं आगे, आगे मिलते हैं आपसे। हम पहुंच गए करनाल बाईपास, और दूसरी बाइक है वो हमारी अभी तक आई नहीं है। कहाँ रह गए वो भाई? वो रास्ते में हम से गाड़ी बताने का जाम कह रहे थे भाई, रास्ते में दिल्ली पार करने में जाम इतना लगाया हमें, तो भाई इतना जाम, तो फाइनली हम कोई मुश्किल से करनाल पास पहुँच चुके हैं। वो हमसे अभी है अभी चार पाँच किलोमीटर हो गए, पाँच छः किलोमीटर दूर हमसे भी, तो हम धीरे चलते हैं। उनको फोन कर दिया हमने, धीरे चल रहे हैं तुम आते रहना, बाकी अब खुला हाईवे मिल चुका है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अब चलते हैं सीधा, पानी पी लिया, थोड़ी प्यास लगी थी, पानी पी लिया, चलते आगे। चलो जी हम निकल पड़े हैं वहाँ से भाई, हमारा लद्दाख का फर्स्ट टाइम, हम चारों जितने जा रहे हैं ना, अभी आगे रुकेंगे, सबसे मिलवाता हूँ आपको, जो जा रहे हैं हम, और लद्दाख हमारा फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस आपको दिखाएंगे भाई, और बहुत एक्साइटेड हम जाने के लिए। हम फाइनली पहुंचने वाले हैं मूर्थल, तक हम जिनका वेट कर रहे हैं ना दोस्तों का, जो पीछे आ रहे हैं वो अभी तक आए नहीं है, अभी जो फोन पे फोन मार रहे, कह रहे भाई आपके पीछे ही है, पता नहीं कितना पीछे हैं जो अभी तक आए नहीं है, तो हमें वहाँ पे रुक के उनका वेट ही करना पड़ेगा ढंग से, लगता है साथ में लेके चलेंगे यार, जब साथ में आए हैं तो साथ में लेके चलेंगे। हमें फाइनली आ गए जिनका वेट कर रहे थे, और भाई कार आ गए थे, बस थोड़ा टाइम लग गया पीछे, सोहेल जावेद, सोहेल और जावेद ये दो भाई और साथ में, भाई का नाम पूरा वैसे दिया जाए तो सोहेल जावेद ही है, सोहेल का नाम पूरा नाम सोहेल जावेद है, बाकी अकेले का नाम सोहेल जावेद है। चलो जी फाइनली हम पहुंच गए पहले टोल पे, और भाई रास्ते में इतने बाइकर मिले जो मतलब की इतने बैक पैक करके जो हमेशा लद्दाख ही जा रहे हैं, लद्दाख मनाली वनाली जा रहे हैं जो, और भाई ये अपनी बुलेट जा रही है फुल तैयार हो गए, ये भी अब काफ़ी देर बाद मिले हमें, ये भी जब फाइनली ये साथ मिल गए ना, साथ साथ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जाने दो भाई, हम तो बाइक वाले हैं, हमारा कोई टोल नहीं कटेगा, तो हम तो जाएंगे सीधा, हमारा टोल का कोई टेंशन नहीं, तो हम तो जानेंगे। बाय 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 बाय। चलो भाई यहाँ से है पानीपत 4, चंडीगढ़ 152, अम्बाला 114, वैसे बीच चला गया पर सट्टा है ना, पता नहीं फिर भी 4 किलोमीटर क्यों दिखा रहा है। ये आ गया हमारा सेकंड टोल, हमारा करनाल वाला टोल ही आ गया, ये हम कहाँ पे एंटर मार रहे हैं, करनाल के बाद क्या था हमारा कुरुक्षेत्र,
पानीपत आएगा फिर, यहाँ पानीपत में एंटर मार रहे हैं वहाँ। तो हमारा बाइक का टोल खाली है भाई, हमें तो जा रहे हैं दो ऊपर पीछे, दो ही दो तीन वही बंदे मिले पूरे धक्का मार रहे हैं। पता नहीं बाइक का रोक रहे गए नहीं। टाइम हो रहा है 11:55 और हम बैठे खाना खाने। लो जी मंगाया है राजमा रोटी। ये बैठा भाई, हमने बोला भाई तुम परोसो, हम मुझे बाद में तुम परोस के दो हम खाएंगे। एक वो रहा वहाँ पे बाइक पे वहाँ पे लगा हुआ है। हम रुके पानीपत टोल पार करते ना, यहाँ रुके ढाबे पे, वो ढाबा दिखाता हूँ तेरा आहूजा पंजाबी ढाबा भाई। इनकी चाय पी रहे हैं, खाना भी खाया एक नंबर खाना। और ये रह गए ओनर, चाचा बोलते हैं ना, और भाई रीजनेबल प्राइस और चाय भी एक नंबर। तीसरा टोल हम आया बिल्कुल अब कैसमगंज की, नॉन स्टॉप आए हैं भाई। हमारी बाइक की राइड बिल्कुल अच्छी जा रही है, और एक बार अब फायदा ये है कि यार गड्ढा हमने ले लिया भाई, यहाँ से हमारे को टोल कटेगा। बाइक बाइक का रास्ता बहुत पतला है, इसमें कौन निकलेगी भाई। अब ये फायदा बाइक का टोल नहीं कटता, आराम से बाइक से निकलता हूँ। कहाँ की दूसरी बाइक अम्बाला भाई, उसके बाद हमने नॉन स्टॉप आए हैं यहाँ पे। तो हमने खाना खाया था, उसके बाद हम नॉन स्टॉप आए यहाँ पे। और भाई कैसा रहा है भाई जावेद, कैसा रहा सफर भाई? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। एक बजे चले नौ से खाना वाना खा के, उसके बाद हमने अभी 2:10-15 हो रहे, उसके बाद हमने ब्रेक लिया यहाँ पे आके। भाई कह रहा हल्का सा दर्द हुआ और साथ में फुल मजे आए। कह रहा दर्द में भी मजा है, ये बात तो है। यही कमर का जो दर्द है ना, वो ही लेकर तुझे आगे तक जाएगा। सही बात, दर्द में भी मजा है। चलो कोई बात नहीं, अगला साल अगला बस थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक लिया है, फिर चलते हैं आगे। चलो जी चलते हैं, तो बाइक बंद हो गई। चलो हमें लेना है चंडीगढ़ से, तो हमें जाना पड़ेगा लेफ्ट। तो भाई लेफ्ट लेते हैं यहाँ से, यहाँ खड़े हैं पुलिस वाले भाई। हम सोच के आए थे रात को जाम नहीं मिलेगा, पर यहाँ तो तगड़ा ही जाम लगा हुआ है, पूरी लाइन लगी पड़ी आगे तक, 1.5 किलोमीटर का पूरा तगड़ा जाम। ये देखो हम तो बच्चा बाइक पे आए हैं, साइड साइड से निकल रहे हैं, वरना तगड़ी गाड़ी और ट्रक बस सब जाम में खड़ी हुई है। हम पहुंच गए अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस। वहाँ पे जाम इसलिए था, रूट डाइवर्ट कर रहे थे, कईयों को अंदर से भेज रहे थे और कईयों को बाहर से, हमें बाहर से भेज दिया। तो हम चले बाहर से, गाड़ियाँ वहाँ पे अंदर गांव के यहाँ से होती, कहाँ अंदर कहाँ से निकाल रहे थे। तो कई बस जैसे बस हो गई, कुछ गाड़ियाँ हो गई, उनको बाहर से भेजा। तो हमने कहा ठीक है भाई हम बाहर से चल लेते हैं, आप जिनको अंदर से भेज रहे उनको अंदर से भेजो। ठीक है भाई, कुराली टोल भाई चलते हैं आगे, बस थोड़ा सा दूर पहुंचने वाले हैं मनाली। यहाँ पे पहुंच गए, मनाली के आसपास ही है। और भाई रास्ते में मस्त ठंड लगी है, थोड़ा रुक के रेस्ट लेते हैं, नॉन स्टॉप आए हैं नॉन स्टॉप। हमने कर दिया कुराली टोल पार, बड़ी भाई मुश्किल से आए हैं बाइक पे। हमारा ये मेरा पहला टूर है जो इतना लंबा मार रहा हूँ, इतना लंबा टूर मार रहा हूँ बाइक पे, वरना ज़्यादातर मैं गाड़ी पे सफ़र करता रहता हूँ। बस अच्छा जाया हमारा ये लद्दाख का पूरा भाई सीरीज। आप देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। खड़ी हमारी बाइक है, ये खड़े भाई ये। और भाई थकान वकान कुछ
बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, जोश में बड़ा जोश में भैया। फर्स्ट टाइम लद्दाख जा रहा है ना? फर्स्ट टाइम लद्दाख? फर्स्ट टाइम। इसका भी है सोहेब? फर्स्ट टाइम है सबका, फर्स्ट टाइम। तेरा भी हो सौरभ? फर्स्ट टाइम भाई सबका, फर्स्ट टाइम लद्दाख है मेरा भी। आजकल निकलने का रीज़न हमारा ये था कि भाई दिन में थोड़ी गर्मी वर्मी से बच जाए, और हमें तो सोचा भी नहीं था रात को ठंड इतनी मिल गई। रात को ठंड सी मिली है और मेरा सैंडो भी हो गया, सैंडो पहन ली मैंने, शर्ट उतार दी थी, बाइक पे टांग दी। ठंडा मौसम रहा ना रास्ते में? मौसम ठंडा रहा, ठंड सी थी रास्ते में पूरी। हमें यहाँ थोड़ा रुक के धूप गर्मी से तो बाहर आए। अब दिल्ली में एक दिन से मौसम सही है, कल आंधी चली गई। आप थोड़ा बहुत यहाँ बर्फ में और ठंडे मौसम के मजे लेंगे। सुबह के बज रहे हैं 5 और बारिश यहाँ पे हम जैसे पहुंचे एकदम बारिश स्टार्ट होगी, बूंदाबांदी स्टार्ट होगी बारिश की। तो भाई हम कर रहे हैं बैग पैकिंग, पन्नी वन्नी लगा दे बैगों में। ओए ये डाटा केबल मेरे साथ साथ में आ गई, इसका फोन चार्ज पे लगा हुआ है यार बाइक में ना। पहले बैग पैक कर लो यार, नहीं तो आगे भीग जाएंगे। आगे देखो मौसम देखो पूरा काला हो रखा है, बूंदाबांदी यहीं से स्टार्ट हो गई है और पूरा ठंडा मौसम हो गया एकदम। मतलब कि आगे तगड़ी बारिश हो रही है, आगे से भाई रेनकोट और बैग वैग ढक ले अपना। कहाँ जा रहे हो साइकिल पे? कहाँ जा रहे हो? नैना देवी साइकिल पे? जय माता दी। ये लोग तो कर रहे हैं पीछे पैकिंग, वो देखो पन्नी उन्नी करा रहे हैं ताकि आगे बारिश बारिश का। अब देखो थोड़ा मौसम खुल गया ना, उस पर पूरे काले बादल रखे हैं, इससे बड़ी पहले से हम पूरी सेफ्टी के लिए चल रहे हैं। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, अब आए कुछ ऐसा बना रखा है जैसे गांव टाइप में ना, और एक और चीज़ भी है इसमें, इन्होंने यहाँ कुआं बना रखा है, देखो कितना तो अच्छा लग रहा है। एक पास पास में क्योंकि अंदर कुछ ऐसी कुआं बना रखा है, आर्टिफिशियल कुआं है ये, जैसा भी है अच्छा बना रखा है। दिखाता हूँ आपको अंदर से एक बार। अबे ये तो कुआं रखा था शुरू से पहले खत्म है सही है डिजाइनिंग के लिए। फाइनली अपने बैग हो गए पूरे पैक, चढ़ा दिए इनमें पूरी पन्नी वन्नी ताकि बारिश से बची रहे। ये हमारी लेबर है पहुंच गए मनाली के पहाड़ों में भाई। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा है। आगे पता नहीं बारिश हो ना हो, पहले शुरू में तो बारिश हो गई थी, बूंदाबांदी स्टार्ट हुई, हमने पैकिंग कर ली, अब बारिश बंद हो गई। तो बाकी ये देखो जी मेरी बाइक लग गई रिजर्व पे, मनाली के चढ़ से चढ़े वैसे रिजर्व पे लग गई, जाके पेट्रोल भरवाते हैं पहले फिर चलते हैं ऊपर। कितने का है तेरी बाइक में पेट्रोल? 1160 भाई, दोनों की बुलेट में एकदम ही सीधा रिजर्व में लगी बात जी। मेरे में आया एक तरह से 900 का लगा लो, 800 कुछ समथिंग लगा लो, 900 का समथिंग पेट्रोल आया भर गई पूरी टैंकी। सामने पहाड़ देखो, ये देखो सारे बादलों में छुपे हुए हैं, ये देखो कितने बादल ही बादल है सामने, बादल ही बादल, सारे बादलों ने पहाड़ों को छुपा रखा है इस टाइम। मतलब कि आगे मनाली साइड में गड़बड़ है बाबा, गड़बड़ है। मैं तो साइड तो बैंक ही चल रहा हूँ, आगे जाके पैक होना पड़ेगा मुझे भी लगता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनको क्या हो गया? अबे गिर गए क्या? गिर गए खड़े हो बड़े, मुझे क्यों गिर रहे?
जाम देखो जाम तगड़ा जाम। और यहीं पे गाड़ियां बंद हो रही थी कितनों की, अभी आगे देखते हैं कितनों की बंद होगी। जाम देखो सुबह सुबह ही, अभी टाइम हो रहा है कुछ 6:17 और ये देखो इतने बजे तगड़ा गाय जाम जाम। नंबर वन में हम स्वागत कर रहे हैं, एंट्री मार रहे हैं, सॉरी दे बूबी हिमाचल आपका स्वागत करता है, धन्यवाद भाई। टनल में एंट्री हमारी, ये सामने ट्रक आते हुए, ओ भाई धूल मट्टी सामने कुछ नजर नहीं आ रहा है, ओ भाई अंदरा गर्मी सी लगी, बाहर ठंड लग रही है। टनल के अंदर इतनी गर्मी लग रही थी, बाहर आके चैन मिला, बहुत ज्यादा गर्मी लगी टनल के अंदर। तो लुक एट द व्यू, यहाँ का व्यू चेक करो, ये देखो स्पेशली यहाँ पर रुका हूँ मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाने के लिए। ये खड़ी मारी बाइक है, जो हमने बाइक खड़ी कर दी अपनी स्पेशली व्यू कर दिखाने के लिए। है ये महाराजा चेयर और ये हमारे भाई, ये देखो वो कोई पुल जा रहा है, आई डोंट नो वो कौन सा पुल है। बाकी कितने अच्छे लग रहे हैं देखो पहाड़ से, एक नाव भी हो रही, वो नाव भी है, जूम करके दिखाता हूँ अगर दिख रही होगी आपको। हाँ हो रही, ये देखो वो दिख रही ना नाव हो रही। ओए बोटिंग करे वो रही नाव कर ले, बोटिंग कर ले। कहाँ है बंदा, कहाँ है वो रहा, वो सुबह सुबह कुछ और करने के आओगे ना चलते हैं आगे। अब थोड़ा ना चाय पीने का मन कर रहा है, पूरी रात बाइक चलाई है ना, तो चाय वाय पिए। हाँ होटल के पास रुकते हैं, चाय वाय पीते हैं। आ जा भाई, ये तो अपनी वो बना रहा है इंस्टा रील, बस हो गया भाई, पता चल गया सब कुछ, लद्दाख जा रहा है। चलो भाई चले मिलते हैं, रास्ते में चाय वाय पियेंगे रास्ते में कहीं। में एक ढाबा मिला है यहाँ, तो चलो चाय मिल जाएगी। आ जाए एक बार, छत पे होके आते हैं भाई। अभी क्या हुआ पीछे कुछ हम चाय जब पूछ रहे थे ना, चाय वहाँ पे चाय नहीं मिली, वहाँ कुछ बंदे आए यूट्यूबर, पूरा पैकेट वैकेट अपना जो लैगड़ वैगड़ पहन के आते हैं वो सब पहन के आए, और हमें देखा, हमने पजामे वजामे पहने हुए ऐसे करके देखते रह गए, दिल्ली से आए लद्दाख जाएंगे लद्दाख जा रहे हैं और ऐसा कुछ लैगड़ वैगड़ कुछ नहीं पहना हुआ इन्होंने, हमने कहा भाई दिल्ली से है। आगे की लाइन आप लोग जानते ही है, बाकी यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, बढ़िया ऑसम नजर आ रहा है बढ़िया। ये आ गए हम ढाबे की छत पे, जिसका ढाबा है मतलब कि उसकी छत पे आ गए। ये कौवे देखो ना, कौवे अलग से ही है यहाँ के, यहाँ के कौवे कुछ अलग से लग रहे हैं। चलो यहाँ का व्यू देखो, यहाँ से व्यू चेक करो कितना कुछ बढ़िया व्यू लग रहा है। अभी वहीं से हमें जाना है यूँ करते हुए, या जितना जा रहे हैं ना, अभी एक्सीडेंट हो रखी है पूरी भाई, पहुँचो जल्दी पहुँचना है, जल्दी पहुँचना है बस, किसी तरह जल्दी पहुँचे और थके भी बहुत हुए हैं। देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचे, मनाली तो पहुँचना ही है, सोच रहे हैं मनाली से और ऊपर पहुँचे, बाकी देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। बाकी ब्लॉग पूरा देखना, चैनल को स्किप, वीडियो को स्किप मत करना, और आपको मज़ेदार वीडियो मिलती रहेंगी आगे भी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मनाली हो गई हमारी चाय वाय ख़त्म, चाय बड़ी महंगी थी स्पेशल चाय। चले भाई पराठे लाए थे घर से, वो खा लिए साथ में। लेने के लिए क्या हुआ,
पानी तो कह रहा हूं भाई रास्ते पर। हां पानी डाल ले भाई बोतल में और क्या, पीने में काम आ जाएगा। भाई शिमला जाना है वो जाए राइट, मनाली जाना है तो जाए लेफ्ट। हमें जाना है मनाली, हम तो होंगे लेफ्ट, तो शिमला जाना है वो तो लेफ्ट हो जाए। अब चलते हैं लेफ्ट नंबर 4। हमने मंडी पार कर ली भाई, कौन कह रहा मनाली में जाम है, बिल्कुल भी जाम नहीं है यार। नहीं क्या अफवाह फैल रही है, क्या रील चल रही है कि भाई जाम है, ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं, वो गाड़ियां खड़ी हुई, हमें तो भाई कहीं कुछ नहीं मिला। अब देखो हम पहुंचे गुरुद्वारे के पास, वाहेगुरु मथा टेक लो आप भी। तो मैं आ गया हूँ पीछे, आराम से बैठूंगा, थोड़ी देर रेस्ट लेता हूँ, मेरी बैग चला रहा दूसरा बंदा, मैं बैठ गया उसके पीछे। अब चलते हैं यहाँ से। फिर स्टॉप ले लिया, हमारे बीच में एक बंदे को नींद आई जा रही है बार बार, पता क्या करेगा ये। भाई दो बार सो गया, जल्दी जल्दी को सो गया, दो बार सो गया। अबे मगर तू चाय पी ले भाई, तू चाय पी ले भाई, ठीक हो जाएगा क्या? अरे क्या पहुंचाएगा रे तू रोहतांग, क्या पहुंचेगा रे तू मनाली में, तू मनाली से पहले ठस हो रहा तू तो। लोग वहां पी रहे हैं चाय, मैं चाय पी के आ चुका हूँ, क्योंकि आपको एक अच्छी चीज दिखाने दी, बड़ा मस्त व्यू दिख रहा था यहाँ से, और बाकी वो भी दिखाई देता हूँ। ये देखो ऐसी रिवर दिख रही है, इतनी प्यारी दिख रही है, और मौसम दिखाऊँ वो देखो, वहाँ पूरे बादल ही बादल, या तो भाई ऊपर बर्फ़ पड़ रही है और या तो बारिश हो रही है तकड़ी वाली, क्योंकि बीच बीच में हमें अभी बीच बीच में बारिश हो मिल रही है, तो मतलब कि ऊपर तकड़ी बारिश हो रही है, तो भाई गर्मी से राहत तो ऐसी मिल रही भाई, मनाली आके ही मिलेगी। और हमें रास्ते में कोई जाम नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला, तो भाई किसी की बातों में ना आए, कुछ भी नहीं है, मनाली आओ आराम से। हमने पीली चाय भाई, अपनी नहीं आएगी, चलो भाई ओके है ये। अब मैं भी दोबारा अब अपने बैग पे बैठ रहा हूँ पीछे, उस बैग पे बैठा था पहले पीछे, अब अपने बैग पे बैठता हूँ पीछे, चलते हैं यहाँ से। नदी में पूरा भरा पड़ा है और यहाँ पूरा सेल्फी जाम लगा हुआ है, ये देखो सारे लोग हमें सेल्फी ले रहे हैं पूरा, देखो ये देखो, हमारे भी दो बंदे रुके वहीं पे, वहीं पे सेल्फी खिंचवा रहे हैं सारे, हम लोग ऊपर आ गए बस, देखो कितनी गाड़ियाँ रुकी है सेल्फी खिंचवाने, वहाँ पे सारे सेल्फी ले रहे, सेल्फी ले रहे।
वहाँ पे कर रहे हैं राफ्टिंग, एक बोट वो जा रही है, दो बोट वहाँ पे चली गई राफ्टिंग, मगर भाव बहुत तेज है भाई, मेरी माने तो राफ्टिंग ना ही करो, और पानी बहुत ठंडा है, चिल्ड पानी है बिल्कुल। और आज के दिन तो ठंडा ठंडा मौसम रखा है ना, बारिश भी हो रही है ऊपर शिशु में, बारिश हो रही है भाई तगड़ी, ऊपर दोस्त गए हुए उसने अपडेट दी है मेरे को, कह रहा तगड़ी बारिश हो रही है शिशु में तो। और यहाँ चल रही है राफ्टिंग, और हमें को ठंड लग रही है, मेरे को सबको ठंड लग रही है। हमारे जो पार्टनर है उसको जो नींद आ रही है, वो पता नहीं कहाँ पीछे रह रहा है, डर लग रहा है कि उसको रास्ते में नींद ना आ रही हो। अब हम उससे बस साथ चल रहे थे, अब दोबारा पीछे रह गया, अब हम रुके हैं उसके लिए, उसको देख रहे हैं यहाँ से, देखो कहीं दूर तक नज़र नहीं आ रहा, वो डिपर मार रहा है, वो तो नहीं है, और डिपर मार रहा है वही है यार शायद, अकेला वो अकेला है, नहीं वो नहीं है भाई, और दूर कोई नज़र ही नहीं आ रहा। बाकी हमने चलते यहाँ पर वेट भी कर लेंगे, राफ्टिंग कर उनको देख लेंगे, वैसे कह रहे थे आराम से तेज चलो, तेज चलो, जब तेज चलने लगे तो फिर कह रहे आराम से चलो, आराम से चलो। हाँ भाई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे भाई साहब, भाई लोग आ रहे हैं मगर भाई ये है जाम नहीं है, आ सकते हो। और मनाली की अपडेट ये है, ठंड सही है, बढ़िया ठंड है। और मैं आज की वीडियो शायद आज ही डाल दूंगा, आज क्या डेट है, शायद मैं आज की वीडियो आज ही डाल दूँ। और आज का स्टे का हमें कंफर्म नहीं है, क्योंकि उसको नींद आ रही है, तो आज का स्टे का मुझे कंफर्म नहीं है, तो कहाँ करेंगे स्टे देखते हैं। बाकी ये देखो कुल्लू, पहली बार एंट्री मारी हमने कुल्लू में, आगे तो गुरुद्वारा एक छोटा पुल था, हमें लगा यहाँ पे कुछ हो रखा है, मगर यहाँ तो कुछ जल रहा है ऐसे ही, भाई कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा देखना, ले जा टपा दा पूरी कुदा दे उधर, मारूंगा कुल्लू शहर से आ गए थे बाहर, क्या करते हैं, हाँ ये भी अच्छा कर रहा है, बंदे में गाड़ी भी धो रहे हैं यहाँ तो, राफ्टिंग सब हो रही है, मैगी भी खा लेंगे, और आग भी चल रही है, ठंड लग रही है, देखो जी यहाँ पे राफ्टिंग चल रही है, और यहाँ बंदे कुछ फोटो खिंचा रहे हैं, ये भाई अपनी गाड़ी धो रहे हैं, और यहाँ अपनी मैगी बन रही है, आग भी चल रही है, ठंड से राहत, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, भाई फुल एंजॉय, अच्छा आज चुम्मा है, अगले जुम्मे को चुम्मा दूंगी, आज चुम्मा है, बहुत बढ़िया भाई, फुल राफ्टिंग इवेंट लगी बढ़िया, यहाँ चल रही है आग, वे दो मैगी बना दो, मैगी बोल देते हैं, जैसे जैसे मनाली पहुंच रहे बारिश स्टार्ट हो गई बड़ी तेज, ये देखो मैंने अपनी बैग की पैर पन्नी निकाल दी थी, दोबारा पैक करनी पड़ रही है, तो बारिश हो गई, ऊपर तगड़े बादल हो ही रखे हैं, ऊपर बड़ी बड़ी तेज बारिश हो रही है, अब यहाँ से ही बारिश हो गई, और बड़ी तेज ठंड लग रही है, कान वान सब लाल हो गए, इतनी सर्दियों में ठंड लगी थी, अब ठंड लग रही है। लो जी हमने ये पहन लिया है रेनकोट, बारिश भी भीगने से अच्छा भाई तबीयत खराब हो तो रेनकोट पहना जाए, चलते हैं आगे, आगे मिलते हैं फिर आपसे, बारिश हो रही है बढ़िया वाली और ठंड हो रही है एक नंबर, चलो मिलते हैं। ये क्या है भाई कमेंट में बताना मुझे,
हम पहुंच गए फाइनली मनाली। यहाँ से ले रहा है, ले रहता है भाई 478, रोहतांग 56, सोलांग वैली 18, मनाली 2। मतलब मनाली में ही खड़े हम तो। रिवर का बहाव देखो कितना तेज है, बारिश हो रही है अभी। हम आगे चल रही थी बारिश, दोबारा हुई थी, फिर अब रुक गई, अब फिर दोबारा हल्की हल्की हुई, दोबारा चालू हुई है। और पानी का बहाव बहुत तेज है, ऊपर का मौसम तो पूरा गड़बड़ाया हुआ है। तो आज हम शायद ऊपर नहीं जा रहे, इसका देखते हैं। थोड़ा रुक के अगर थोड़ा आराम करके जाएंगे कि दूसरे एक बंदे को नींद आ रही है, उसका थोड़ा देखते हैं अभी, उसके हिसाब से जाएंगे। अभी पानी बहुत, देखो आवाज़ आप सुन पा रहे होगे, तेज आवाज़ आ रही है। बाकी ठंड तो आई, ठंड एक नंबर ठंड है इतनी, मुझे लग रहा है इतनी। मैं सर्दियों में आया था अभी, 4-5 महीने पहले आया था, तब इतनी मेरे को ठंड लगी थी, ठंड अब लग रही है। वहाँ कुछ बंदे नहा रहे हैं, और देखो दिखाता हूँ, वहाँ पर देखो पत्थरों के बीच में हो रहे। और अब बस स्टैंड, यहाँ सारी वोल्वो खड़ी हुई है, और रामदलाल की वहाँ सारी वोल्वो खड़ी होती है। देखो कोई जाम नहीं है, तो पीछे थोड़ा जाम मिला था, कोई जाम नहीं है। यहाँ से रोहतांग जाने के लिए जाम है, गाड़ी चल रही है मगर स्लो स्लो चल रही है। ये देखो पूरे पीछे थोड़ा वो जाम मिला है, आगे तक जाम है, गाड़ी रेंग रेंग के चल रही है। फाइनली हम पहुंच गए हैं मनाली, अभी खाना वाना खाया है, एक छोटा सा स्टे लिया है यहाँ पे बैठ के, एक 2 घंटा यहाँ पे रेस्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे, डिसाइड करते हैं क्या करते हैं, क्योंकि एक को नींद आ रही है। आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ, पहले खाना खा रहे हैं, उसके बाहर का व्यू है, और यहाँ से वो सामने देखो बिल्कुल भाई बर्फ ही बर्फ है, और यहाँ से पूरा जाम जा रहा है आगे तक। अब जब यहाँ से जाएंगे तब पता चलेगा, ये जब खाली होगा तब दिखाऊंगा आपको, आपको पता चलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ब्लॉग के बने रहना, जिसे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगले ब्लॉग और भी जानदार आने वाले हैं। चलो इस ब्लॉग को करता हूँ ये एंड, अगर ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना। बाय।